फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग देखने वाले कंपाउंड माइक्रोस्कोप। सो कंपाउंड माइक्रोस्कोप एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है जिसमें दो कन्वर्जिंग लेंस यूज होते हैं। जो पहला लेंस होता है जो ऑब्जेक्ट की तरफ होता है उसे ऑब्जेक्टिव कहते हैं, और जो दूसरा लेंस होता है जो जिधर से हम देखते हैं उसे आईपीस कहते हैं। यहाँ पे एक नोटिस करने वाली बात है, जो आईपीस का अपर्चर होता है वो ऑब्जेक्टिव से बड़ा होता है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है माइक्रोस्कोप में। यहाँ पे भी हम लोग जो सिंपल माइक्रोस्कोप में दो केस देखे थे, फॉर नॉर्मल एडजस्टमेंट और फॉर लीस्ट डिस्टेंस ऑफ क्लियर विजन, वही दोनों केस हम लोग को यहाँ पे देखना है। स्टार्ट करते हैं हम। पहला जो केस है फॉर नॉर्मल एडजस्टमेंट, उसके लिए जो हम देखेंगे पहला केस, इस केस में क्या होगा कि नॉर्मल एडजस्टमेंट में हम जानते हैं कि इमेज जो होता है वो इन्फिनिटी पे बनता है। तो इन्फिनिटी पे बनने के लिए क्या होगा कि इस आईपीस के लिए जो ऑब्जेक्ट होगा, जो कि ऑब्जेक्टिव का इमेज है, वो आईपीस के फोकस पे बनेगा, यानी कि यूई जो होगा वो एफ ई के बराबर होगा, फोकस ऑफ आईपीस के बराबर होगा। और यहाँ पर जो थीटा डैश, हम लोग को मैग्निफिकेशन का जो फॉर्मूला होता है एम इक्वल टू थीटा डैश बाय थीटा नॉट, यहाँ पे थीटा नॉट जो है वो नेकेड आई से जो हम लोग देखते हैं, ये मैंने सिंपल माइक्रोस्कोप में बताया, आप उसका एक वीडियो देख लीजिएगा। नेकेड आई के कंडीशन और जो थीटा डैश है वो इंस्ट्रूमेंट का कंडीशन जो होता है उसके लिए देखते हैं। तो मैग्निफिकेशन का ये फॉर्मूला होता है, तो यहाँ पर थीटा डैश जो होगा वो हो जाएगा आपका एच डैश अपॉन यू ई। तो थीटा डैश हम लोग का हो गया एच डैश अपॉन यू ई, और इस ट्रायंगल में अगर हम सिमिलर ट्रायंगल से देखें, इस दोनों ट्रायंगल में, तो एच डैश अपॉन एच होगा आपका वी नॉट अपॉन यू नॉट। तो इसको हम लिख लेते हैं एच डैश अपॉन एच, ये होगा वी नॉट अपॉन यू नॉट, और यहाँ पे यू नॉट क्योंकि लेफ्ट साइड ऑफ मिरर है तो यहाँ पे माइनस साइन होगा, इसको हम सिंपली लिख लेते हैं माइनस वी अपॉन यू। यहाँ पे फिर थीटा नॉट जो होता है सिंपल माइक्रोस्कोप में हम लोगों ने देखा था कि, मैं इसे बता देता हूँ एक बार, कोई ऑब्जेक्ट है वो आई से डी डिस्टेंस पे है, यहाँ आई है इससे डी डिस्टेंस पे है, मान लेते हैं कोई ऑब्जेक्ट को हम मैक्सिमम का मैग्नीफाई देखेंगे, जब वो हमसे सबसे ज़्यादा करीब हो, यानी कि लीस्ट डिस्टेंस ऑफ क्लियर विजन पे हो, उससे ज़्यादा करीब में वो ब्लर्ड हो जाएगा। सो मैक्सिमम मैग्निफिकेशन तब होगा जब वो लीस्ट डिस्टेंस ऑफ क्लियर विजन पे होगा, और ये थीटा नॉट जो होगा वो यही है और ये एच है। तो थीटा नॉट जो होगा टेन थीटा नॉट वो एच अपॉन डी होगा, और यहाँ पे थीटा नॉट बहुत ही छोटा है तो ये अप्रॉक्सीमेटली टेन थीटा नॉट के बराबर हो जाएगा, ये एच अपॉन डी हो जाएगा। यहाँ पे थीटा नॉट एच अपॉन डी है, थीटा डैश है एच डैश अपॉन यू ई। तो मैग्नीफिकेशन यहाँ से थीटा डैश अपॉन थीटा नॉट करेंगे तो मैग्नीफिकेशन जो आएगा वो हो जाएगा एच डैश अपॉन यू ई बाय एच अपॉन डी। तो ये हो जाएगा एच डैश अपॉन एच इंटू डी बाय यू ई। अब यहाँ पे एच डैश अपॉन एच जो है वो माइनस वी बाय यू है, और डी अपॉन यू ई, डी तो डी है और यू ई जो है ये एफ ई के बराबर है, फोकस ऑफ आई पीस के बराबर। तो मैग्निफिकेशन का हम लोग का जो फॉर्मूला हुआ वो ये हुआ, यहाँ पे आप देख सकते हैं जो निगेटिव साइन आ रहा है वो ये इंडिकेट कर रहा है कि इमेज इन्वर्टेड बनेगा। ये हुआ फॉर नॉर्मल एडजस्टमेंट। अब हम सेकेंड केस देखते हैं फॉर लीस्ट डिस्टेंस ऑफ विजन। तो इस केस में जो होगा इमेज जो बनेगा फाइनल इमेज वो लीस्ट डिस्टेंस ऑफ क्लियर विजन पे बनेगा। इस फिगर से हम देखेंगे तो जो इमेज होगा वो लीस्ट डिस्टेंस ऑफ क्लियर विजन होगा, यानी ये जो डिस्टेंस है वो लीस्ट डिस्टेंस ऑफ क्लियर विजन है, और यहाँ पे उसके लिए जो यू ई होगा वो हम देखते हैं क्या होगा फॉर लीस्ट डिस्टेंस ऑफ क्लियर विजन। फिर से यहाँ पे मेरा थीटा डैश जो होगा वो एच डैश अपॉन यू ई होगा, और थीटा नॉट तो वही होगा नॉर्मल कंडीशन एच अपॉन डी। तो मैग्निफिकेशन यहाँ पे फिर से हो जाएगा एच डैश अपॉन यू ई बाय एच अपॉन डी, ये हो गया एच डैश अपॉन एच इंटू डी बाई यू ई।
अब यहाँ पे हम नॉर्मल एडजस्टमेंट के लिए आईपीस के लिए अगर हम मिरर लेंस फार्मूला लगाएं तो क्या होगा, ये मैं एक बॉक्स में कर लेता हूँ, वन अपॉन यू बराबर वन बाय भी माइनस वन बाय एफ, लेंस फार्मूला वन बाय भी माइनस वन बाय यू इक्वल टू वन बाय एफ होता है, तो मैंने इसे डायरेक्ट लिख लिया। तो यहाँ पे यू जो है वो माइनस यू नॉट है, इसके लिए माइनस यू ही है, वन बाय वन अपॉन यहाँ पे आई पीस के लिए यू जो है यू ही है, तो ये माइनस यू ही क्योंकि लेफ्ट साइड ऑफ द लेंस है, और भी जो है वो है माइनस डी क्योंकि लीस्ट डिस्टेंस ऑफ क्लियर विजन पे बन रहा है, और फोकस जो है वो हो जाएगा मेरा वन अप बाय एफ ही। तो यहाँ से जो डी अपॉन यू ही आएगा वो हो जाएगा वन प्लस डी अपॉन एफ ही। तो ये यहाँ पे हम अगर डालेंगे डी अपॉन यू ही का वैल्यू यहाँ से वन प्लस डी अपॉन एफ ही, तो मैग्नीफिकेशन यहाँ से क्या आ जाएगा, एच डैश अपॉन एच, एच डैश अपॉन एच फिर से यहाँ से हम देखेंगे माइनस बी अपॉन यू है, इसका वैल्यू भी यहाँ रखेंगे एच डैश अपॉन माइनस बी अपॉन यू इंटू डी अपॉन यू ही जो है डी अपॉन यू ही वन प्लस डी अपॉन एफ ही। तो ये फॉर्मूला हो गया मेरा फॉर नॉर्मल फॉर लीस्ट डिस्टेंस ऑफ क्लियर विजन के लिए। अब यहाँ पे एक सिंप्लीफिकेशन है, इन प्रैक्टिकल केस जो हम देखेंगे यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन करना है, ऑब्जेक्टिव के लिए अगर हम यूज करें तो यहाँ पे वन अपॉन वी माइनस वन अपॉन यू इक्वल टू वन अपॉन एफ, और यहाँ पे वी से अगर गुना कर दे तो वन माइनस वी अपॉन यू इक्वल टू वन बाय वी अप बाय एफ, तो वी अपॉन यू जो हो जाएगा वो हो जाएगा वन माइनस वी अपॉन एफ। अब होता क्या है कि प्रैक्टिकल केस में जो होता है वी होता है आपका जो डिस्टेंस बिटवीन ये जो इमेज डिस्टेंस है ये वी नॉट जो होता है अप्रॉक्सीमेटली ये डिस्टेंस बिटवीन मिरर के बराबर हो जाता है, और डिस्टेंस बिटवीन मिरर जो है वो एल लेंस है, सॉरी डिस्टेंस बिटवीन जो लेंस है वो एल है, और ये जो होता है वी नॉट वो डिस्टेंस बिटवीन लेंस के बराबर हो जाता है, यानी वी नॉट पूरा डिस्टेंस बिटवीन मिरर यानी एल के बराबर हो जाएगा। तो वही हम लोग यहाँ पे वी को एल पुट कर देंगे, यानी वी अपॉन यू जो हो जाएगा वो हो जाएगा वन माइनस एल अपॉन एफ, यहाँ पे ऑब्जेक्टिव का है तो इसको फिर से हम लोग यहाँ पे पुट कर देंगे। तो और एक और क्या होता है कि ऑब्जेक्टिव का जो फोकल लेंथ होता है वो बहुत छोटा होता है, इस कारण से यहाँ पे जो एल अपॉन एफ नॉट है वो बहुत बड़ा हो जाएगा, और वन के रिस्पेक्ट में वो इतना बड़ा हो जाएगा कि वन को नेगलेक्ट कर सकते हैं हम। यहाँ पे एक और अप्रोक्सीमेशन है कि ये डायरेक्ट इक्वल टू वन अपॉन एफ हो जाएगा। तो जहाँ जहाँ पे हम लोग का वी अपॉन यू आया था वहाँ पे हम एल माइनस एल बाय एफ एफ ऑफ ऑब्जेक्टिव पुट करेंगे, तो हम लोग का जो पहला केस के लिए मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला आएगा वो हो जाएगा यहाँ से माइनस वी अपॉन यू इंटू डी अपॉन एफ ही आया था, तो वी अपॉन यू का वैल्यू माइनस एल अपॉन एफ ऑफ पुट करेंगे तो ये हो जाएगा एल अपॉन एफ ऑफ ऑब्जेक्टिव इंटू डी बाय एफ ही। और सेकेंड केस के लिए ये हो जाएगा मैग्निफिकेशन, यहाँ से माइनस बी अपॉन यू को माइनस एल बाय एफ पुट करने पर ये हो जाएगा एल बाय एफ ऑफ ऑब्जेक्टिव इंटू वन प्लस डी अपॉन एफ ऑफ आई पी एस। सो फ्रेंड्स दिस वाज ऑल द फॉर्मूलास, तो आपको यही दोनों फार्मूला लास्ट में पुट करना है, तो क्वेश्चन मतलब आपको ये सब दिया हुआ रहेगा, इसमें जितने पैरामीटर्स आपको नीड है ज़रूरत पड़ेगा वो आपको दिया हुआ रहेगा, आपको ये फार्मूला लगाना है और आपका सॉल्यूशन बस इससे निकल जाएगा। तो सिंप्लीफिकेशन मतलब आपको आसानी होगा, आप एक बार मेरा सिंपल माइक्रोस्कोप का वीडियो आप उसे देख लीजिए। सो दिस वाज कंपाउंड माइक्रोस्कोप, ऑल अबाउट कंपाउंड माइक्रोस्कोप। सो फ्रेंड लाइक माय वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल, थैंक्स फॉर वाचिंग।